हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आए हैं हमारे सेकंड चैप्टर के साथ, व्हिच इज हैलोजन डेरिवेटिव। महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर इज योर 10th चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर फिनिश किया था। इफ यू आर मिसिंग इट, यू कैन सी द चैनल, यू कैन गो टू द चैनल एंड यू कैन गेट दोस वीडियोस एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट, शुभारंभ करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव का। आई होप मेरी नोट्स आपको क्लियर होंगे। लेट्स स्टार्ट। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। तो पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जब इस साल ये टेक्स्ट बुक चेंज हुआ है, पिछले साल तक ये हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स था। कंटेंट ऑलमोस्ट वही है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, बस हेडिंग मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जस्ट हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स। ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हैलो अल्केन एंड व्हाट इज हैलो अरीन्स। द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट हैलो। हैलो मतलब हैलोजन। दिस हैलोजन मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। And alkene here stands for hydrocarbon. Now haloarenes. Haloarenes may be halo stands for halogen and arene stands for hydrocarbon, which is in ring form. अब मैं आपको एक अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, formation of haloalkene. यहाँ अल्केन जब मैं बात करती हूँ ना, तो इट इज एन एलिफैटिक। एंड जब मैं बात करती हूँ अरीन्स, तो इट इज एन एरोमेटिक। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड अच्छे से किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम ब्रश अप है, तो आपको पता होगा कि व्हाट इज एलिफैटिक, व्हाट इज एरोमेटिक एंड मेनी मोर अदर थिंग्स। सो अगर आपको नहीं पता है, फटाक से जाके टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, गो थ्रू इट एंड देन कम बैक। चलिए आगे बढ़ते। फॉर्मेशन ऑफ हैलो अल्केन में यहाँ पे CH3H which is methane, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन अटैक करेगा और मिथाइल क्लोराइड यहाँ बन जाएगा। यहाँ देखिए, मैंने बोला है अल्केन इज एलिफैटिक। फॉर्मेशन ऑफ हैलो अरीन्स में सेम होता है, सिर्फ हमारे पास एरोमेटिक रिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कही और बेंजीन, उसमें से एक HI निकलेगा और एक क्लोरीन ऐड होगा, विच विल गिव यू क्लोरोबेंजीन। टू अंडरस्टैंड दिस मोर एफिशिएंटली, बिकॉज़ यहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड यूज नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने एक स्मॉल एनिमेटेड वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। सो लेट्स गो थ्रू इट वंस। आई होप आपको उससे क्लियर हो जाए अच्छे से। This is methane for you guys, okay? ये सभी को structure पता है, which is CH3 and H. अब इसमें exactly क्या होने वाला? This is CH4 basically, सिर्फ मैंने H को split up करके लिया है। अब इसमें देखिए, मुझे एक H remove करना है, तो मैं एक H remove करूँगी, तो मुझे उसके बाद क्या मिलेगा? कुछ ऐसा structure मिलेगा। अब इस ऐसे structure में आप ऊपर देख सकते हैं, एक chlorine environment में घूम रहा है, ठीक है? Now that chlorine wants to attack CH3, क्योंकि अब CH3 के पास भी एक bond बनाना है और chlorine is also roaming, because chlorine का आपको पता है its atomic number is 17, electronic configuration 287, that means it needs one electron, so वो एक bond बनाने के लिए घूम रहा है। तो environment में था, CH3 was like this, उसने bond बनाया and बन गया CH3Cl, बराबर है? You can see this CH3Cl and this is known as methyl chloride. Are you getting this? If you want me to go it again, then I'll go it again for you. This is methane का structure CH4. अब ये hydrogen यहाँ से निकल गया, तो वो CH3 ऐसे खाली है। But now you have chlorine. Now chlorine will come and attack to the methyl group. Okay? So it will form methyl chloride. Okay? Chlorine का क्या हो गया?
chloride. So if in case it is bromine, so it would be bromide. If it is iodine, then it would be iodide. Are you getting this now? So let's move further. Similarly for arenes. Now I have already told you that alkenes are basically aliphatics, right? And arenes would be aromatic. So this is the structure for benzene. Yes, this is the structure for benzene. You all know this structure for benzene. But अब इस structure of benzene में क्या मैंने changes किए हैं? मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका जो hydrogen था, उसको मैंने बाहर निकाला है. We all know कि hydrogen होते हैं. अगर हर एक carbon के पास two hydrogens होते हैं. One of the hydrogens I have removed. Now what will happen next? See. One second, there's a problem, I guess. Okay. So there would be a removal of hydrogen. Okay. After removal of hydrogen, what you'll see? You'll see this structure. Okay. Hydrogen bhi remove hua hai. Hydrogen bhi remove hua. Aur chlorine ka bhi attack simultaneously hua hai. Theek hai? And this is chlorobenzene. So now you understood how is methyl chloride formed and how is chlorobenzene formed. Nothing. You have to just remove one hydrogen from arene or alkane and chlorine will take its place and it will form the respective haloalkene or haloarenes. Barabar hai? Everybody got it till here? So this was all about how you form haloalkane or how you form haloalkene. So now let's go with the next part. Okay, yahan tak sabko clear hai, hum dekh liya ki kaise formation hota hai. The next part is classification. Okay. आपके टेक्सटबुक में भी दिया है बट मैंने इसको थोड़ा अलग अलग वे में क्लासिफाई किया है. द क्लासिफिकेशन रिमेन्स द सेम बट द ओरिएंटेशन इज डिफरेंट, बिट डिफरेंट. ओके, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द हैलोजन अटैच. ओके, बी वेरी मच अटेंटिव राइट नाउ बिकॉज दिस इज द वेरी मेन पार्ट ऑफ योर एंटायर चैप्टर. इफ यू आर नॉट, इफ यू आर मिसिंग दिस पार्ट देन यू विल बी नॉट एबल टू identify ki is it mono, di, tri or anything. Okay, so it will be confusion for you itself. Let's start. On the basis of halogen attached. Okay, on the basis of halogen attached, matlab agar mere paas ek alkane hai, usme kitne halogen attached hai, uske basis pe I am doing the first classification. Okay. So the first classification is on the basis of halogen attach. Usme the first one is monohaloalkane or alkenes. Okay, it is monohaloalkanes or alkenes. The second one is dihaloalkanes or alkenes. The third one is trihaloalkane or alkenes. And the last one is polyhaloalkanes or alkenes. Okay, this poly stands for, you all know, many. Mono means one, di means two, tri means three, and poly means many. तो इतना हम सबको पता है. अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लासिफिकेशन ये वाला कैसे याद रखना है. Just write these things, close your book, and just repeat based on the halogen attached, mono, di, tri, poly. This was the same way with what I used to do. Okay, I used to just write it and then I used to close the books and just me yaad karti thi. Mono, di, tri, poly. Mono, di, tri, poly. So mujhe apne aap yaad raha tha ki if there is a classification of haloalkenes, to mujhe ye pehle likhna hai. Theek hai? Mono, di, tri, poly. Aur ek baat, this is the very important question. Question for 3 marks. बहुत सारे पेपर्स में आया है, यू कैन चेक इट आउट. क्लासिफिकेशन इज वेरी कॉमन, एक्चुअली ऑल द चैप्टर्स यू आर हैविंग क्लासिफिकेशन.
एंड देर इज सिमिलर क्लासिफिकेशन. सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन, आपको आगे का क्लासिफिकेशन भी अपने आप समझ आ जाएगा. तो हम कहां पे थे? मोनो डाई ट्रायल पॉली. रिमेम्बर एवरी वन, लेट्स स्टार्ट. अब हम इस पे देखेंगे मोनो हैलोजन हैलो अल्किन. व्हाट इज मोनो हैलो अल्किन? सी हियर आई हैव रिटन ओनली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड एंड हैलोजन इज एडेड. ओके, सो मोनो CH4 था, एक H गया, Cl आया. हमने अभी देखा था एनिमेटेड वीडियो में कि दिस इज मिथाइल क्लोराइड. एवरीबॉडी, so this is easy, right? Only one chlorine is attached. Let's go further. Dihaloalkene, two hydrogen is replaced. Up, this is the very important part. Now this remember very wisely. ध्यान देना सब लोग. CH2, मेरे पास दो CH2 है. मेरे पास actually this was a ethane, but दो hydrogen replaced हुए ना. यहाँ पे क्या लिखा है? दो हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड. दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं और दोनों क्लोरीन आके अटैच हो चुके हैं. ठीक है, अब ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड. प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड. अब मैं इसको विसिनल डाइहैलाइड क्यों बोलूंगी? बिकॉज दीज टू क्लोरीन्स आर अटैच to two different carbon and these two different carbon are मतलब एक दूसरे के नजदीक है. वो लोग एक ही कार्बन पे है क्या? अगर अभी देखो, let's go to down. अब यहाँ देखो CH3CH ClCl, there is two chlorine attached to the single carbon. बराबर है? Everybody with me? अभी देखो, मेरे पास ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है. अब ये दोनों क्लोरीन इज अटैच टू ओनली वन कार्बन ना, तो आजू बाजू नहीं हुए, इसीलिए उसको क्या बोलती हूँ मैं? जेमिनल डाइहैलाइड. गॉट इट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विसिनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड? विसिनल डाइहैलाइड में क्या होगा? वो आपके आजू बाजू होंगे. देखो यहाँ पे ये आपके आजू बाजू है, बट यहाँ पे दिस इज द सेम कार्बन जहां पे ये दोनों अटैच है. ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलती हूँ? जेमिनल. और इसको मैं बोलती हूँ विसिनल. समझ गया? एक बार इफ यू आर राइटिंग द नोट साइमल्टेनियसली देन लेट मी टेल यू, ये स्ट्रक्चर के बाद फटाक से लिखो विसिनल, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द टू डिफरेंट कार्बन विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर. है ना, वो दोनों कार्बन एक, वो दोनों क्लोरीन दो अलग अलग कार्बन के साथ अटैच्ड हैं. एट द सेम टाइम वो दो कार्बन एक दूसरे से अटैच, इसीलिए विसिनल. अगर एक छोड़ के एक होगा तो इट इज नॉट विसिनल. एडजेसेंट होना चाहिए दोनों कार्बन और उनके हैलोजन्स. इस तो क्या बोलेंगे हम? विसिनल. ओके, विसिनल कभी अगर आप लोगों ने सुना होगा तो हम ऐसे बोलते हैं कि there is a bank in my vicinity. Vicinity, this word itself suggests nearby. ठीक है, this word itself suggests nearby. समझ रहे हैं ना? तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे आस पास कोई है तो उसको क्या मैं बोलूंगी? Vicinity. अगर मेरे पास, अगर I am a chlorine for example, मेरे बाजू में भी एक chlorine रहता है, तो हम दोनों एक दूसरे के vicinity में है, इसलिए हम क्या बोले जाएंगे? Vicinal dihalide. Are you all getting this point? I'm getting in very low and lame language to make you all understand. Geminal dihalide समझ गया? मेरे एक ही कार्बन है, उसके साथ दो हैलोजन अटैच है, उसे क्या बोलेंगे? Geminal dihalide. ये तो था dihalides. बट ये समझ आया डाइहैलो अल्केन में क्यों आएगा? ये नहीं तो पता चले, ये पता नहीं कि डाइहैलो में क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ पे दो हैलोजन है जिन्होंने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है. आई होप इट इज क्लियर नाउ. लेट्स गो फर्दर. अभी हम लोग इतना अल्केन का बात कर रहे हैं, चलो थोड़ा अरीन्स का बात कर लेते हैं. अरीन्स से मैंने आपको पहले बोला है, अरीन्स इज वॉट?
aromatic ring. Basic aromatic ring which everybody knows is benzene. अब देखो बेंजीन है, मैंने तुम लोग को वहां पे बताया था वीडियो में कि Cl देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए होंगे तभी दो हाइड्रोजन आए होंगे, बिकॉज ऑलरेडी बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर इज कंप्लीट है. अगर एक हाइड्रोजन निकलता है तो एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकले होंगे इसीलिए दो हाइड्रोजन आए हैं. क्लियर है सबको? Let's start. Trihaloalkane. The name suggests trihalo. वहां पे mono था तो हम एक hydrogen निकाल रहे थे, यहाँ पे di था तो हमने दो hydrogen निकाल के दो alkane, दो halogen लगाया. अब यहाँ पे tri है तो मैं यहाँ पे तीन hydrogen निकाल के तीन halogen लगा रहे थे. If this would not be the case, अभी समझो, for example, समझो this is not the case. ये ऐसे यहाँ पे नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पे हमारे पास नहीं. If this is the case, what is this? अगर यहाँ पे CH3, CH2, CH3 होगा, तो this would be propane. Everybody agree? अगर यहाँ पे CH3 कर दूँ मैं, यहाँ पे CH2 कर दूँ, और यहाँ पे CH3 कर दूँ. So this would be propane, everybody. But मैंने क्या किया, सब में से three hydrogen replace किए हैं. देखो मैंने bracket में हमेशा लिखा है, तो तुम लोग भी वैसे ही लिखो. Three halogen replace किए हैं और उनके बदले मैंने तीन chlorine डाल दिए उसमें, तो मुझे क्या मिला, chloroform. What is this known as? No, this is not known as chloroform. This is trihaloalkane. I have given you one example here. CH3, which is, agar samjho ye CH4 hota, so it would be methane. But now what I have done, maine ispe se teen hydrogen nikal diya hai, aur maine isme teen क्लोरीन ऐड कर दिया है, तो क्या बन गया वो CHCl3. सो क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म. अगर मैंने क्लोरीन के बदले आयोडीन डाला होता तो इट वुड बी आयडोफॉर्म, अगर ब्रोमीन डाला होता तो ब्रोमोफॉर्म. अब लोग समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. दिस इज द शॉर्ट एडवाइस ऑल्सो और शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो विच आई एम टेलिंग यू, कि अगर तीन निकले हैं तो उसमें फॉर्म लगता है. या आप आगे पढ़ेंगे जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, आई गिव द सेपरेट असाइनमेंट एज वेल फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट वेरी थरली. ओके, सो इतना समझ गया, मोनो डाई ट्राई पॉली. ओके, दिस वाज वेरी इजी, अब तक का सबसे इजी क्लासिफिकेशन था मोनो डाई ट्राई पॉली. अब आगे जाते हैं. अब मुझे ये समझ गया कि मोनो डाई ट्राई पॉली ओवरऑल क्लासिफिकेशन कर दिया. अब मुझे मोनोहैलोजन, मोनोहैलो कंपाउंड जो है, मोनोहैलो अल्केन या मोनोहैलो कंपाउंड को मुझे क्लासिफाई करना है. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लेट मी लेट अस सी द टेक्स्ट बुक साइमल्टेनियसली एज वेल. दिस वाज योर 10th चैप्टर एज आई ऑलरेडी मेंशनड यू ऑल. देखो यहाँ पे ये हमने क्या, मोनो डाय ट्राई, ठीक है. अभी देखो आपके पास ये भी है, बट यहाँ पे कैसे सब जम्बल्ड किया हुआ है. वॉट वी आर गोइंग टू डू इज समथिंग विच इज ओरिएंटेड वेरी वेल, यू शुड रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, स्टार्ट करें. सबसे पहले मोनोहैलो कंपाउंड्स तीन टाइप में होते हैं, sp3, sp2, sp. हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हाट इज sp3, व्हाट इज sp2 एंड व्हाट इज sp. फॉर बेसिक नॉलेज, अगर आप लोग भूल गए हो जाके टास्क से आप लोग हमारे नोट्स देख सकते हो, नहीं तो आई एक्सप्लेन योर शॉर्ट. व्हाट इज sp3? sp3 हाइब्रिडाइज, वहां पे हम क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड. sp2 में क्या देखते हैं हम, कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड. एंड हम sp में क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड.
इतना तो सबको पता है, बराबर है। अब आगे जाते टाइम हम इस sp3 को तीन चीजों में क्लासिफाई किया है, दिख रहा है सबको? अब ध्यान देना, नाउ दिस इज ओनली sp3। हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी दिख रहे हैं, आई नो, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज sp3 ओनली। हाउ? आई विल टेल यू। अल्काइल हैलाइड, द फर्स्ट वन इज अल्काइल हैलाइड व्हिच इज आल्सो नोन एज हैलो अल्कीन। अब मैं इसको RX लिख सकती हूँ, where R stands for alkyl group and X stand for halogen. Okay, but now one thing you should understand, कि यहाँ पे R जो होगा it would be saturated chain, बराबर है ना? अगर वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो गया which is unsaturated, तो वो sp3 के अंदर आएगा क्या? नहीं ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, saturated chain, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? वेरी इजी, द फेमस एग्जाम्पल जो हम लोग तब से ले रहे हैं विच इज मिथाइल क्लोराइड। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, तुम लोग को दिख रहा है आई गेस, कि थोड़ा और जूम करूं मैं, अब भी अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है? देखो दिस इज CH3Cl, ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड है मिथाइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड है, हैलो अल्किन बोल सकती हूँ। अगर मैं इसको हैलो अल्किन बोलती तो मैं क्या बोलूंगी, हैलो क्लोरो मीथेन। ओके, विल कम टू इट लेटर, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अभी इतना ही समझो मिथाइल क्लोराइड जो तब से बोल रहा है। द सेकेंड कम्स अलाइल ग्रुप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी तक विनाइल पढ़ा है, जेमिनल पढ़ा है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड माई स्टूडेंट्स, बी विद द फ्लो, धीरे धीरे सब समझेगा। विनाइल के साथ कंफ्यूज मत होना, अलाइल इज कंप्लीटली डिफरेंट। व्हाट इज अलाइल, आई टेल यू, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, मतलब देयर इज अ डबल बॉन्ड हियर एंड देयर इज CH2, ठीक है? दिस होल ग्रुप इज नोन एज अलाइल ग्रुप, ठीक है ना? अभी देखो यहाँ पे एक कैंडिडेट आना बाकी है ना? तो यहाँ पे बॉन्ड खत्म नहीं, मतलब कुछ है नहीं, यहाँ पे बॉन्ड आएगा तो समझो यहाँ पे कुछ भी आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अल्कोहल डाल दिया, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, अल्कोहल, यू नो ना अल्कोहल इज स्टैंड विथ OH। तो अब ये देखो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमारा हैलोजन इज अ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। अब दिस फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन, दैट कार्बन इज अटैच्ड टू sp2। नाउ दिस इज, अब ये जो है हमारे भाई साहब, ये वाले, ये वाले जो है, ये क्या है, sp2, दिस इज sp2, है ना? sp2, और ये वाले भी sp2 हुए, बराबर है? समझ गए आप लोग? तो ये जो मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू sp2, मतलब ये ऐसा हो गया कि मेरे, आई एम अ किड, मेरे एक चाचा है, और उनके चाचा इज अ सुपरस्टार, ठीक है? नाउ कंसीडर दिस एज अ वेरी लेम जोक, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस, हाउ इज अलाइव। नाउ आई एम एन अलाइव पर्सन, हाउ? बिकॉज मेरे चाचा है जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उनके चाचा है हु इज शाहरुख खान, ओके? तो आप बोल सकते हैं ना कि मेरे चाचा है, मैं उनसे जुड़ी हूँ, बट मेरे चाचा है, उनके चाचा कौन है, शाहरुख खान। ओके, दिस जोक इज वेरी बैड, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, बट आप समझ सकते हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, समझ रहे हो ना? इफ आई एम अ अलाइल फैन, अलाइल किड,
तो मेरे चाचा इज अ नॉर्मल गाय. फॉर एग्जाम्पल देखो ना, इधर ये जो OH था मेरे पास, इट इज अ वेरी नॉर्मल गाय, ठीक है, क्योंकि वो जो अटैच है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. बट ये भाई साहब जो हैं, जो मेरे चाचा हैं, वो भी बड़े आदमी हैं, क्योंकि वो किसी महान इंसान को जानते हैं, ठीक है ना, विच इज CH, विच इज SP2. इफ यू आर नॉट गेटिंग द एग्जाम्पल, आई एम रियली सॉरी, दिस वॉज नॉट प्री कुक्ड, या अभी अभी गरम गरम मेरे दिमाग से आया था, विच इज वेरी बैड, आई एम सॉरी फॉर दिस. चलिए बैक टू द टॉपिक. नो शाहरुख खान एंड नो अलाई लिख के, बट ये समझ गया ना आप लोगों को कि what I mean to say with allyl group, this is allyl group. If you are writing the notes now itself, please make this note very clear, which is allyl group. यहाँ पे ऐसे सर्कल करके लिख देना, कभी भी याद रहना चाहिए. बिना इससे कंफ्यूज होना तो बहुत पिटूंगी मैं आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है. अभी देखो ना, यही एक allyl group था, उसमें मैंने Cl डाल दिया, वो क्या हो गया, allyl chloride. Got it, everybody? So it's very easy, no? अब हमने देख लिया what is alkyl halide, what is allyl group. Now go to benzyl. अभी ये हमने already इसमें किया हुआ था, जब हम हमारा video देख रहे थे तब हमने देखा था what is benzyl. अब देखो आप लोग बोलोगे कि why it is in sp3. सुनो मेरी बात, ये जो मेरे पास X है, which is halogen, वो किससे अटैच है? वो कार्बन से अटैच है, जो एक sp2 रिंग से अटैच है. आप सबको पता है ना कि बेंजीन के हर एक कार्बन इज sp2, बिकॉज सब लोग कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से अटैच है. डबल बॉन्ड मीन्स sp2, ये sp2 से है. बट मेरा जो प्राइमरी कार्बन होगा वो ये होगा ना, क्योंकि मेरा हैलोजन उससे अटैच है और ये वाला इज sp3, इसीलिए मैंने इसको sp3 के क्लासिफिकेशन में डाला है. वैसे ही मैंने अलाइल ग्रुप का भी आपको बताया, नहीं अलाइल ग्रुप में भी भले यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, बट Cl विच इज क्लोरीन, इट इज अटैच टू कार्बन विच इज हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, तो विच इज sp3. दिस इज sp2 बट दिस इज sp3. Same wise, this is halogen which is attached to carbon which is sp3 and this is sp2. Okay guys, are you all understanding this concept? So kya bolte hum, benzyl halide. What we call this? Benzyl halide. The second one is sp2. sp2 में हमारे पास दो हैं, विच इज विनाइलिक हैलाइड एंड अराइल हैलाइड. चलो पहले हम लोग विनाइलिक हैलाइड पर देखते हैं. ये विनाइल ग्रुप है, ये भी मार्क कर लो. देखो हमने ऊपर अलाइल किया है, हमने ऊपर एक बिसिनिक बिसिनाइल डिहैलाइड किया है, जर्मिनल किया है, और अब हम एक विनाइल कर रहे हैं. I don't want you all to get confused. इसलिए आराम से when you're writing the notes अच्छे से लिखो, mind एकदम clear करके, बराबर है? Vinyl क्यों कहूंगी मैं इसे? अब देखना. मेरा जो halogen यहाँ पे आएगा, देखो ना यहाँ पे मेरे पास एक halogen के लिए जगह खाली रखी है ना मैंने, यहाँ मेरे पास एक halogen आने वाला है, ठीक है? वो halogen किसके से जुड़ा है? इस कार्बन से, ठीक है. एंड ये कार्बन क्या है? sp2. ये कार्बन क्या है? sp2. देखो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस कार्बन इज sp2. समझ गए ना, मेरे पास जो भी यहाँ पे अटैच होने वाला है वो CH के साथ अटैच्ड है, विच इज sp2. ये भी sp2, इसीलिए क्या होगा, ये विनाइल ग्रुप. डायरेक्ट अटैचमेंट, अलाइलिक की तरह नहीं है कि मेरे चाचा के चाचा, मतलब मेरे चाचा के उनके चाचा इज लाइक शाहरुख खान के फैन. नो, नथिंग लाइक दैट. माय ओन चाचा इज शाहरुख खान का, इज ओन शाहरुख खान एक्चुअली, समझ आया ना? तो माय ओन कार्बन, मतलब जिस कार्बन से ये अटैच होगा मेरा कुछ भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप,
ओन कार्बन इज sp2 महान हस्ती डायरेक्ट नो इनडायरेक्ट कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन तो क्या होगा विनाइल ग्रुप आई एम वेरी बैड एट गिविंग एग्जांपल्स दो ओके सॉरी बेयर मी ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल क्विक एग्जांपल CH2CH सेम स्ट्रक्चर बट यहाँ पे मैंने सिर्फ Cl ऐड कर दिया है विच इज विनाइल क्लोराइड बराबर है इजी नो नथिंग डिफिकल्ट द सेकेंड वन इज आरिल हैलाइड अभी देखो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन बेंजाइल हैलाइड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरिल हैलाइड अभी देखना यहाँ जो मेरा क्लोरीन अटैक हुआ है दिस क्लोरीन इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज sp2 ना बिकॉज मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि इन बेंजीन रिंग ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज ठीक है ना देखो यहाँ पे अगर मेरा क्लोरीन डायरेक्ट अटैच हो रहा है रिंग से सो इट इज आरिल हैलाइड बट व्हाट हैपेंड इन बेंजाइल हैलाइड इज मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच टू अ कार्बन विच इज अटैच टू sp2 समझना है ना इफ यू आर नॉट गेटिंग इट ट्राई टू राइट एंड वापस से वीडियो को रिपीट करो देन यू विल गेट इट अगेन एंड अगेन ठीक है द डिफरेंस इज वेरी क्लियर बट स्टिल इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी कामली चलो आगे बढ़े sp वेरी इजी हैलो अल्काइन इसमें क्या होगा कि मेरा जो भी हैलोजन है इट इज अटैच टू sp हाइब्रिडाइज इसमें कुछ क्लासिफिकेशन आप लोगों को नहीं दिया एंड नीदर यू वॉन्ट यू नीड टू स्टडी ऑल्सो इतना काफी है ठीक है तो हैलोजन है और उसको sp हाइब्रिडाइज्ड है गॉट इट एवरीबॉडी सो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे फिनिश किया है दिस चैप्टर इज वेरी वास्ट सो ये समझ लो बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन योर एंट्रेंस एज वेल आई एम टेलिंग यू अगेन तभी भी देर विल बी मेनी क्वेश्चन ऑन दिस आई यू पैक या नहीं तो डायरेक्ट दे विल गिव द कन्वर्जन विद द नेम्स So what you will do? You need to understand what is vinyl, what is allyl. Okay? And jab we'll start with the new next chapter, which is alcohol. Kabhi bhi concept aane wala. So please brush up and keep this. Okay, the next one is IUPAC. IUPAC nomenclature. तो ये हमने already कर चुके हैं हम nomenclature already 11th standard में कर चुके हैं right? But still we'll go through a quick recap. हेलो अल्केन क्या बोलते हैं हम इसे हेलो अल्केन IUPAC में अगर मुझे नाम देना तो मैं क्या बोलूंगी उसको हेलो अल्केन विच इज फ्लोरिन के लिए फ्लोरो क्लोरिन के लिए क्लोरो आयोडीन के लिए आयोडो एंड ब्रोमीन के लिए ब्रोमो वेरी इजी ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग नेमिंग कर ही रहे हैं तो कॉमन नेम भी सीख ले में क्या जाता है कॉमन नेम भी सीख लेते हैं तो उसमें क्या आएगा RX विच इज अभी ये तो हमको पता है ना हेलो अल्केन है ये बट इसको हम क्या बोलेंगे अल्काइल हैलाइड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉमन नेम जो हम लोग ऐसे इजीली बोल देते हैं ना कि दिस इज मिथाइल क्लोराइड जो हम लोग ऊपर जब हम लोग वीडियो देख रहे थे एनिमेटेड तो उसमें हमने ऐसे दिया था मिथाइल क्लोराइड सो दिस इज व्हाट अल्काइल हैलाइड अभी यहाँ पे समझो प्रोपेन होता और दिस इज ब्रोमीन तो दिस इज प्रोपाइल bromide understanding we'll get to the examples and then it'll be more clear to you all aage jaate hain pehla example to bahut aasan hai hai na this is 1 2 carbon matlab it is ethane hai na single bond ethane but ek hydrogen replace karke I have put here chlorine so it would be chloroethane इसका कॉमन नेम बताओ जल्दी मुझे सोचो जरा फास्ट तब तक मैं यहाँ लिखती हूँ व्हाट इज इट्स कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड यस इथाइल क्लोराइड कैन बी द कॉमन नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर Yes, अब यहाँ देखो CH3 एंड CL IUPAC nomenclature में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन
I've selected the longest chain. This is 1, 2, 3. अभी इसमें सेकेंड पोजिशन पे क्या है मेरा? क्लोरीन. तो 2-chloro-propane. Also, while you're writing a nomenclature, पहला जो भी हमारा लेटर होगा अल्फाबेट लेटर शुड बी कैपिटल. ओके, दिस इज समथिंग विच यू माइट नॉट नो. ठीक है, अब ये समझिए ना, 2-chloro बिकॉज सेकेंड पोजिशन पे मेरे पास क्लोरीन है एंड इट इज प्रोपेन. द नेक्स्ट कॉमन नेम, see here I've given a short note or kind of stuff which is the common name. Now this is isopropyl chloride is the common name. If you have studied 11th, I'm telling you again, you know why it is iso. Why? Because the functional group is attached to the second carbon. So the common name kya hota hai? Isopropyl chloride. Iso laga dena hai aur propyl chloride to hamara common name hai, hai na? Next, I mean now this structure, see this structure, this is C in the middle, which is carbon, which is surrounded by three more ethyl groups and one bromine. ठीक है, अब इसका नाम मैंने क्या दिया है, टेक्सबुक में भी सेम एग्जाम्पल है. 1, 2, 3 लॉन्गेस्ट चेन ये है, बराबर 1, 2, 3 इट इज 2-bromo है ना, 2-bromo-2-methyl. Why not 2-methyl and 2-bromo? Because we are going alphabetically. है ना? You have studied this. So 2-bromo, 2-methyl, and the longest chain stands for propane. So 2-bromo, 2-methyl, propane. The common name for this is tert butyl bromide. Now why the word tert? See, because this carbon, which is C2, ना? Because मैंने उसको name किया तो C2 बोल सकती हूँ ना उसको मैं, उससे attached है bromine and वो कितने carbon से attached है? 3. So it is tertiary. हमने ये किया है revision lectures में, अगर 2 से होता तो secondary. You remembered or not? Or it's all gone? Try to recollect and if not then please just get your notes once again. Okay? समझा ना कि why it is tert, because 1, 2, 3 ये जो कार्बन है मेरा सेकेंड वाला जो ब्रोमीन से अटैच्ड है मेन फंक्शन ग्रुप, वो कार्बन 3 और मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है ना, 1, 2 and 3, therefore it is tertiary. अगर 2 से होता तो secondary. Getting it or not? अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका और एक नाम है, इसका नाम है सेक प्रोपाइल क्लोराइड. जैसे हमने इसके लिए किया था कि टर्ट प्रोपाइल क्लोराइड, वैसे मैं इसको भी बोल सकती हूँ ना सेक प्रोपाइल क्लोराइड. Because देखो, this is secondary. ये जो भी मेरा functional group है, it is attached to carbon, which is attached to 2 carbons. This is also sec propyl chloride. Okay, write it. I have forgotten to mention in the notes. You all write it. Written fast. चलो आगे बढ़ते हैं. I hope this it is clear till now. Okay, the third example is this. अभी देखना, 1, 2, 3 longest chain है ना, अब यहाँ पे chlorine attached है, उसको नंबर 1 देंगे, नंबर 2, नंबर 3. क्या आएगा? 1-chloro है ना, 2, 2 बराबर है 2, 2 बिकॉज बोथ द मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन कार्बन नंबर 2, डाइमिथाइल प्रोपेन. इजी. अभी कॉमन नेम क्या है? नियोपेंटाइल क्लोराइड.
अभी तुम लोग सोचो कि यहाँ पे प्रोपेन था, यहाँ पे पेंटाइल कैसे आ गया, नियो। फर्स्ट रिमेम्बर दिस, व्हाई द नेम नियो हैज केम, बिकॉज टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, या टू फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, व्हिच इज कार्बन नंबर टू। देखो सेकंड कार्बन इज हैविंग टू ब्रांचेस ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांचेस, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ मिथाइल के जो है कुछ और भी होता तो इट वुड बी हैव बी कंसिडर्ड एज नियो। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, आई शुड नॉट ड्रैग इट टू मच। विनाइल ग्रुप, ये तो पढ़ा है ना, अभी ऊपर देखा था हमने डायरेक्ट अटैचमेंट वन। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक सीएल लगा दिया, इट इज वन क्लोरो इथीन। इथीन वाई, बिकॉज द पैरेंट चेन इज अल्कीन, नो इजी। द नेक्स्ट वन इज ओके, नेक्स्ट वन इज देखो यहाँ पे सी एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू बी आर, नो दिस इज अलाइल ब्रोमाइड, इट इज द आयुपैक नेम और कॉमन नेम, चलो बताओ, इट वुड बी योर कॉमन नेम, बिकॉज विनाइल क्लोराइड एंड अलाइल क्लोराइड आर सच कॉमन नेम्स, इसका आयुपैक नेम यू हैव टू राइट इट, ओके। Now this structure. Now this structure में, इस structure में main हमारा compound कौन होना चाहिए बताओ? Toluene, ठीक है? Toluene में मैंने एक I था, मतलब एक H था, वो remove हो चुका है। ऐसा I am assuming कि एक H था, which was replaced by iodine. तो the name comes one iodo, मतलब this I am considering this as priority order से. 1-iodo 4-methyl benzene. This comes when you take the priority orders. Okay. But if in case you are considering this as toluene, ये पूरा toluene है, तो 4-iodo like 1-2-3. नहीं, I'm going this way. 1-2-3-4. 4-iodo toluene is the next. Both are right. Anyways, both are right in महाराष्ट्र टेक्सटबुक, बोथ आर गिवन राइट। कॉमन नेम, बिकॉज आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज, सेकेंड वाला आई डोंट फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, बट तुम लोग के टेक्सटबुक में दिया ही, इसलिए मैंने लिख दिया। कॉमन नेम इज, अभी देखो ये तो हम सबको पता है ना कि ऑर्थो मेटा पैरा, ये भी हमने किया था हमारे रिविजन लेक्चर में, तो अगर याद होगा तो लिख देना, इट इज ऑन मेटा पोजिशन ना, आईडो इज ऑन मेटा पोजिशन, one this is ortho, this is meta, so meta position pe iodo hai and tol, that's it. To ye hamara iupac bhi ho gaya, hamara classification bhi ho gaya and hamara introduction to the chapter bhi ho gaya. In the next video we'll be getting forward with the preparations, we'll try to cover all the preparations and few more concepts as well if we get the enough time. Till then, you have to revise whatever I have taught you right now. And also very important, I'm going to send you a small assignment, everybody, which you all need to complete it and you have to give it to me as soon as possible before the new video comes. Okay? So, I hope it is clear. Jo bhi doubt rahega, please feel free to ping me anytime. एक बार रिविजन करना है कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, आई डोंट थिंक इट इज टू मच, बट स्टिल क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जितना भी हमने किया है उस हिसाब से हमारा वेटेज वाइज क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू स्टडी क्लासिफिकेशन थरली विद एग्जाम्पल्स, ओके। एंड या आयुपैक तो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है, वो तो हम हर चैप्टर का आयुपैक इज इम्पॉर्टेंट, ओके। चलो टेक केयर टिल देन, नेक्स्ट वीडियो कम्स एंड प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। चलो बाय बाय, थैंक यू।